गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग हैं डाकोर के अंदर और ये हमारी प्यारी सी मॉर्निंग हो रही है। सुबह 7:30 बजे हमें जाना है मंदिर दर्शन करने। उससे पहले दिखा देता हूँ हम लोग रुके। बहुत प्यारी सी और छोटी सी जगह है और जाना है मंदिर दर्शन करने के लिए। चलो निकलते हैं। नीचे आ गए हैं डाकोर की गलियों में। हमारे साथ है आज लाल परी मैदान छड़ी क्या फूल खिली और मैं वाइट एकदम शांत। वैसे पता है लाल कलर एंग्री का होता है और वाइट कलर सरेंडर का होता है। आज ये रोमांस में है और एंग्री में है और हम सरेंडर करने के मूड में है एक्चुअली। और हाँ, शादी हो गई तो मतलब सरेंडर कर ही देना होता है। और हाँ, रेड इज लव फॉर ऑल्सो, रेड इज फॉर फाइट ऑल्सो। और रेड का मतलब एक और होता है, रुको ठहरो जरा। ट्रैफिक सिग्नल नहीं देखा? लाल का मतलब रुको होता है और वाइट का मतलब सरेंडर। सो आई ऑलरेडी सरेंडर। अब मंदिर जा रहे हैं और मुझे रश पसंद नहीं है तो आई होप सो रश ना हो। अगर रश हुआ तो क्या कहें, हमारा मूड पूरा हिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा नहीं हिलता, तेरा हिलता। हाँ, देखते हैं रश है कि नहीं। पहले हाँ, पहले जाते हैं मंदिर के तरफ। मम्मी पापा का फोन आ रहा है। पापा भूल नहीं सकता। खैर, मम्मी का फोन आ रहा है, फटाफट जाते हैं दर्शन के लिए। रुको। 2 hours later शांति से दर्शन हो गए और 15 मिनट में दर्शन भी हो गए और अभी हम लोग खा रहे हैं गरम गरम पोहे। हालांकि इंदौर जैसे पोहे नहीं है बट कुछ भी बोलो। एक चीज़ मैंने नोटिस की, पता है तीर्थस्थान में खाना जो रहता ना वो कभी कभी बहुत अच्छा ही हो जाता है। सिंपल चीज़ें होती है लेकिन फिर भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है, पता नहीं चल। और अभी भूख बहुत लगी है तो पहले खा लेता हूँ फिर बातें करता हूँ। शू कर रहे मंदिर दर्शन के नाम पे ये लोग शॉपिंग कर रहे हैं। दर्शन हो गए 10 मिनट में तो अभी इधर टाइम पास करने का। खैर, यहाँ से अभी निकल रहे हैं हम लोग पावागढ़ के लिए। अभी जस्ट प्लान बना है, पावागढ़ जाएंगे। अब देखते हैं पावागढ़ कैसा रहता है। मेरी सबसे प्यारी मासी, सबसे प्यारी मासी है मेरी, सबसे प्यारी मासी है। बस इसको कांदा लहसुन मत देना, अगर दिया और उसने आप लोग को मार डाला तो मेरी जवाबदारी नहीं है ना, है ना? ये मर्डर करती है। अगर कांदा लहसुन आया तो इसके अंदर देवी आ जाती है। बस शांत है जब तक आप कांदा लहसुन मत लाए। जैसे कांदा लहसुन ऐसे लाए और इसके अंदर देवी आ गई तो मेरी कोई गारंटी नहीं है, है ना? अभी पावागढ़ निकलते हैं, बाद में बात करते हैं। कैसा लग रहा है डाकोर का फर्स्ट कोटा? ये इतना माइक स्ट्रॉन्ग नहीं है जो तो एकदम स्लो बोल रही है, माइक नहीं लगा उस पे। मस्ती वेरी नाइस। पहले खा लेते हैं, कहते हैं खाते हुए मजे लेना चाहिए और ये फूड ब्लॉग नहीं है, याद रखो। चलो, आज का हमारा डाकोर का प्लान यहीं पे ख़त्म होता है और अब निकल रहे पावागढ़ की ओर। हम लोग ने मस्त गोटे खाए और विनी ने भी गोटे खाए। विनी को गोटे समझ में नहीं आ रहे थे कि गोटे क्या होते हैं, फिर जब आए तब उसे समझा कि उसे भजिया भी कहते हैं। और यहाँ पे हर जगह गोटानो लोट मले छे विनी। लेकिन यहाँ पे गुजरात ट्रिप में तो गुजराती तेरा बहुत फ्लुएंट हो गया ना पढ़ने में। पहले भी था बट अभी ऐसा हो रहा है कि ना मैं जो बोल रही हूँ गुजराती में लिखा है या फिर इंग्लिश में लिखा है। हाँ, तो लेकिन पढ़ पा रही है गुजराती में, दैट्स इम्पोर्टेंट। हाँ, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। तो अभी यहाँ की जर्नी ख़त्म करते हैं डाकोर की और निकलते हैं पावागढ़ की ओर। पता नहीं यार इन सब मासियों को लेके कैसे चढ़ पाऊँगा, बट बहुत डर लग रहा है उस चीज़ को। एक को तो उठाना पड़ेगा। वो ये कौन है? नहीं तू नहीं, तू नहीं, दूसरी वाली मासी। हाँ, तो मैं पहाड़ चढ़ती हूँ। हाँ, तू पहाड़ चढ़ती है, ये बात सही है।
और मुझे चढ़वाती है ज़बरदस्ती, वो भी सही है। बस यार थक गया, बहुत खाना खा लिया ऐसा लग रहा है मेरे को, और पता नहीं मुझे पता नहीं एक होता है फैमिली के साथ जाओ ना तुम कितना भी डाइट करने जाओ नहीं होता, और उसमें भी सब माँ लोग। दो मिनट में ऐसा लगा था पोहे खा के पेट भर गया, नहीं चलो वापस और कुछ खाते हैं। बच्चे लोग पतले हो गए, मेरा कमर 34 से 40 हो गई है, पतले कहाँ से हो गए, पतले ही है हम लोग। बस हो गया, निकलते पावागढ़ के लिए, बाय। फाइनली पावागढ़ दर्शन हो गए, और इस बार एक्चुअली व्लॉग नहीं किया क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि पापा की डेथ के बाद ये मम्मी का फर्स्ट टाइम था, तो मुझे उसको संभालना था, उसकी वजह से मैं व्लॉग करने का मतलब दिल ही नहीं कर रहा था। एंड सेकेंडली विनी का भी सेकेंड टाइम था मतलब पापा के बाद, तो उसके लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था। सो सोचा कि ये मोमेंट रहने देते, अब सब ठीक है, दर्शन अच्छे से हो गए, एक बज रहे और क्या कहे, बहुत इमोशनल मोमेंट है। फिर भी व्लॉग कर रहे हैं, अभी उतरते हैं। आज भीड़ नहीं था एक्चुअली, लेकिन धूप बहुत मिला है, और धूप बहुत मतलब बहुत मिला है, हद से ज़्यादा। तो फिर अब जाते हैं नीचे, कुछ पेट पूजा करते हैं, पहले पेट पूजा ज़रूरी है, उसके बाद दूजा काम, लेट्स सी। मतलब क्या होता है, कितना नसीब वाला हो कि दिव्या शॉपिंग करवाती है और मेरी वाली शॉपिंग नहीं करती। इतना ऑप्शन दे रहा हूँ, ये ले ले वो ले ले, सब ऑप्शन दे रहे, एक चीज़ नहीं खरीद रही है ना। अरे ऑन कैमरा नहीं, सच्ची भी नहीं, हाँ हाँ बिहाइंड द कैमरा भी वो नहीं ले रही है कुछ भी, रीज़न क्या नहीं लेने का, हाँ तो कुछ तो ले लेना चाहिए ना, लेकिन लेती नहीं है, लेकिन फ़ायदा है ना ले तो, उसमें पैसे बचते मेरे, ठीक है चल। हाँ क्या बोल रही थी, कंप्लेन बॉक्स का चैटर चैटर चालू करो, कब से कंप्लेन बॉक्स की चैटर चैटर चालू है इसकी, बोल। फोन बंद कर देता था। अच्छा मैं गुस्से में फ़ोन बंद कर देता तो तेरे को इशू होता है तो। मैंने कभी नहीं किया फ़ोन बंद, ठीक है ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, बोल ना। अरे यूनिवर्सल ट्रुथ वो है कि जहाँ पे रेंज भी चली जाती है पहले बता के रखना होता है। मैं बताता हूँ, मेरा कभी ऐसा नहीं हुआ कि फ़ोन बंद हुआ। लास्ट टाइम पावागढ़ तो अकेले आया था तब हुआ था। ओ मेरा चैटर बॉक्स, मेरा चैटर 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 करने वाला चैटर बॉक्स है तू। मासा त्या जमवान, क्या सामे जमवान, माणी आका सपात्र दुधरन उधरन आ तो सुरंदर पाए न में बिगदाम बिगंदर चिंता ना कर, आंगड़ी नहीं हलावानी केम, अरे मोड़ो जलावानो ना, ते जाओ रे जाओ रे, मस्त बड़ा मने भी ज्यादा होता है, हां कट कर दे तो चिंता ना कर। मोगल मोगल मा तू दिंगो दणी अने मोगल माने से बाप ए हाजा सदा सदा तू राख दे सुखी, अरे रे आ तो मोगल नो प्रताप, अरे आवड़ आवड़ भेलियो फेर में हम जे उर्द भाण, अरे हूँ आबू तारे जुग दे आर रे तन आवड़ तनी आण। ओके इतना अच्छा गाया उसने, लाइक मुझे एक सेकंड के लिए लगा पहले कि यार ऐसे मस्ती कर रहा है, बट एक्चुअली इतना अच्छा गाया ऐसे, पूछा उन्होंने हाँ कि मैं गाऊँ क्या, मुझे लगा ऐसे ही मजाक कर रहा है, बट लेकिन एक्चुअली उसने इतना अच्छा गाया कि क्या कहे। ऐसे यार कहाँ कहाँ टैलेंट मिल जाता है ना, समझ में नहीं आता, और ऐसे टैलेंट को हम छुपाते भी है, और पता नहीं एक्चुअली हनी सिंह के और टोनी कक्कर के कुछ गानों से तो बेटर ही था। नहीं बहुत बेटर था, नहीं उन लोग से तो मतलब बहुत बेटर था, उन लोग के तो बहुत बकवास होते हैं। एक सेकंड, आज का जर्नी हमारा आ गया है इस
इस बोबड़ी के घर पे मेरी प्यारी सी बच्ची है ना, तारा घर आओ रे सब। आज हम लोग इसके घर पे रुकेंगे और गाड़ी का काम है वो ख़त्म करेंगे और थोड़ा सा इसको तंग करेंगे, इसका ऐसे नाक खींचेंगे नाक खींचेंगे नाक खींचेंगे नाक खींचेंगे, ठीक है। तो बस अभी सामान थोड़ा सा ऊपर पहुंचा के गैरेज निकलते हैं। One eternity later. So, घर पहुंचने के बाद गाड़ी का काम निकाला और क्या निकाला, क्यों निकाला, कैसे निकाला, कल बताता हूँ। फिलहाल के लिए एनर्जी डाउन है, विनी घर पे सो गई है, हम थोड़ा बाहर राउंड मारने निकले, अब थक चुका हूँ। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का गाड़ी का क्या हुआ है वो कल बताता हूँ। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, एडिगोस साहिबा, बी सुसेगार।